भाई जी, लोग आपको संपूर्णता में देखते हैं, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जिसको आप भी चेंज करना चाहते हैं। नहीं है तो बात तो बहुत सारी होती है, संपूर्णता में लोग देखते हैं भावनावश, लेकिन संपूर्णता तो अभी आई नहीं है, क्योंकि संपूर्ण बनने के बाद मनुष्य यहाँ ज़्यादा समय नहीं रह पाता है, उसको जाना ही होता है मुक्ति धाम में, मुक्ति की ओर। इसलिए अभी कई चीज़ें होती हैं जो अपने में एक छोटी मोटी कमी महसूस होती है, उसको दूर करने का प्रयास तो सदा रहता ही है और अंत तक रहेगा ही। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आएंगी हम में से कुछ लोगों की कि आत्माएं संपूर्णता के बिल्कुल समीप पहुंच जाएंगी। अगर संपूर्णता 100 डिग्री है तो 95 तक पहुंच जाएंगी और उसमें वो यहाँ जीवित रहेंगी और उनकी संपूर्ण स्थिति के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम इस संसार में संपन्न हो जाएंगे। 100% संपूर्णता की स्थिति क्या होती है भाई जी? 100% का अर्थ है जब आत्मा में सारे गुण आ जाएं, सारी शक्तियाँ आ जाएं और आत्मा निरंतर योग युक्त हो जाए, उसकी बुद्धि का आकर्षण कहीं भी न जाए। बाबा के सिंपल शब्दों में बाबा एक सुंदर सा उदाहरण देते थे, जैसे तुम लोग कढ़ाई में हलवा बनाते हो तो जब हलवा बन के तैयार हो जाता है तो वो सब किनारे छोड़ देता है, वो तेल पर आ जाता है, घी पर आ जाता है। तो ऐसे ही संपूर्णता का अर्थ है बुद्धि के किनारे जहाँ जहाँ भी हैं, बुद्धि जहाँ भी लगी हुई है चाहे 5% ही हो, वो सब छूट जाएगा। आपने हलवा की बात करी सर, भाई जी कुछ लोग वो किनारा ही खाना बहुत पसंद करते हैं, जो आखिरी की कुर्चन होती है उसमें ज़्यादा रस आता है। तो यही है कि किनारे पकड़े रहते हैं थोड़ा बहुत लोग, उनमें रस लेते रहते हैं, लेकिन संपूर्णता में जब परमात्म रस पूरी तरह आत्मा को मिलने लगता है फिर वो खुरचन का रस समाप्त हो जाता है।